हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो में तो आज हम बात करेंगे टर्मिनेशन पॉलिसी ऑफ प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, प्राइवेट बैंक कब टर्मिनेट कर सकता है, कब आपको फायर कर सकता है, फायर पॉलिसी ऑफ प्राइवेट बैंक, दोनों की हम बात करेंगे। देखो, टर्मिनेशन एक अलग चीज है, फायर एक अलग चीज है। बहुत से लोग इसको बोलते हैं कि ये कंबाइंड है, एक ही है। फायर कर दिया मतलब निकाल दिया। दो, मैं इन चीजों को अलग अलग मानता हूँ। जो अपना मैं एनालिसिस करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, एक्सपीरियंस जितना लेता हूँ, टर्मिनेशन मतलब ब्लैक लिस्टेड फॉर लाइफ टाइम। फायर करना मतलब एक उसकी पॉलिसीज होती हैं फायर करने की भी, कि आपको पहले वार्निंग दी जाएगी। दैट सिंपल, कि आपको पहले वार्निंग दी जा रही है। दो तीन मेल आएंगे आपको, उसके बाद वो बोलेंगे या तो आप अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कीजिए। प्राइवेट बैंक की बात कर रहे हैं, सेल्स में हो या किसी भी चीज में हो, आप अदर डिपार्टमेंट में फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ पॉलिसीज को जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ टर्मिनेशन पॉलिसीज के बारे में। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उनको तो आप जानना पड़ेगा। फायर पॉलिसी, टर्मिनेशन पॉलिसी दो तरीके से देखिए। ठीक है, यहाँ पे बैंक जॉब लिखा था, मिट गया। चलो, मार्कर दोस्तों खत्म हो गए और मैं अपने जॉब में इतना बिजी रहता हूँ कि यार मुझे याद ही नहीं रहता कि ये मार्कर भी खत्म हो गया है। चलो, फर्स्ट हम टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और YouTube पे बहुत सारी वीडियो हैं, हर कोई अच्छा समझाता है टर्मिनेशन के बारे में, फायर पॉलिसीज के बारे में। ठीक है, टर्मिनेशन, और चलो एक ही टॉपिक रखते हैं, टर्मिनेशन पॉलिसी और प्राइवेट बैंक। और मैं सब यूट्यूबर्स की कदर करता हूँ जो अपने जो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। ये बहुत बेस्ट पॉइंट है यार, किसी को सिखाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, टर्मिनेशन पॉलिसी ऑफ प्राइवेट बैंक। हर बैंक की वैसे अपने, देखो हर बैंक की HR पॉलिसीज अपनी अपनी होती हैं। कोई सी भी बैंक हो, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, हर बैंक की अपनी अपनी पॉलिसीज होती है। बट टर्मिनेट किन चीज़ों में हो सकते हो आप, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए एज अ फ्रेशर, या फिर आप न्यू रिक्रूट हुए हो, या फिर प्राइवेट बैंक्स के लिए न्यू हो, वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। टर्मिनेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट आपको टर्मिनेट कब कर सकते हैं, जब आप एक डाटा ब्रीच पॉलिसी होती है, जब आप उनके डाटा को ब्रीच करते हैं। ठीक है, डाटा अगर आप मिसमैच कर देते हो तो आपको वो लोग टर्मिनेट कर देते हैं। मेल आता है उसके बाद टर्मिनेट कर देते हैं। एक तो आपको डाटा के ऊपर टर्मिनेट किया जाता है, मिसमैच कर देते हो आप, या फिर डाटा आपने लीक कर दिया। ठीक है, या फिर डाटा आपने कहीं पे सेल कर दिया। सेल्स मतलब बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे उनको एक्सेल में डाटा मिला और उन्होंने दूसरी बैंक्स को उठा के दे दिया, या फिर थर्ड पार्टी किसी को दे दिया कि यार क्रेडिट कार्ड के लिए, किसी और चीज़ के लिए। बहुत बड़े बड़े लेवल की चीज़ें हैं, अलग आपको अभी समझ नहीं आएंगी, समझ सकते हैं आप इस वीडियो से। अब डाटा को अगर आप ब्रीच करते हो ना, आप लीक करते हो, आप सेल्स कर देते हो, या फिर आप ठीक है ब्रीच कर देते हो, तो इस केस में आपको सीधा टर्मिनेट टर्मिनेट ब्लैक लिस्टेड ब्लैक लिस्टेड, कि आप लाइफ टाइम नहीं ज्वाइन कर पाओगे। सिंपल सा मैं आपको बता दूं, लाइफ टाइम आप ज्वाइन नहीं कर सकते। और ऊपर से हो सकता है आप पे FIR भी हो जाए, क्योंकि बैंक के डाटा को मिसमैच करना, लीक करना, ये सारी चीजें एक पॉलिसी के अंडर में आता है। HR पॉलिसी होती है बैंक की, उस केस में आप पे FIR भी होगी और आप ब्लैक लिस्टेड भी होंगे। टर्मिनेट मतलब वही ब्लैक लिस्टेड होंगे। डाटा के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। दूसरा अब आता है सेल्स का, सेल्स परफॉर्मेंस। अगर आपका एक्टिवेशन नहीं है, सिंपल समझिए, एक्टिवेशन नहीं किस चीज का, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट्स इसको बोलते हैं बैंक बिजनेस ऑफ RM, बैंक बिजनेस ऑफ RM। ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर, या फिर कोई भी मतलब ज्यादातर देखो सब रिलेशनशिप मैनेजर ही होते हैं। ब्रांच मैनेजर भी हमारे रिलेशनशिप मैनेजर में काउंट होते हैं। रिलेशनशिप बनाना कस्टमर के साथ, वही तो मैनेजर का काम है ना। सेल्स लाना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, कोई भी उनको दिक्कत आ रही है उसको सॉल्व करना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप सेल्स में परफॉर्मेंस नहीं ला पाते हैं तो आपको 3 मंथ, अब आप सिंपल समझिए, इससे 3 मंथ बाद आपको फायर कर दिया जाता है। मतलब आपको टर्मिनेट नहीं किया जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं टर्मिनेट कर देते हैं, टर्मिनेटर का मतलब होता है ब्लैक लिस्टेड, बिल्कुल आप उस बैंक को कभी लाइफ टाइम ज्वाइन नहीं कर सकते। फायर किया जाता है, फायर का मतलब होता है कि आफ्टर 1 ईयर आप ज्वाइन कर सकते हो।
अब फायर ऐसे नहीं करते, आपको पहले वार्निंग मेल भेजेंगे, सिंपल सा आप समझिए, ऐसे कोई बैंक आपको नहीं निकाल सकता ना आप, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ ना, कोई भी बैंक हो या कुछ भी हो, सब आरबीआई के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, आप बैंक पे एक्शन भी ले सकते हो, लीगल एक्शन, ठीक है, कोर्ट केस वगैरह ये सारी चीजें होती है ना। आप देखते हो ना किसी कंपनी को, इतने किसी कस्टमर ने कंप्लेन की, कोर्ट केस किया, किसी कंपनी को 1 करोड़ का फाइन लगा, किसी कंपनी को इतने करोड़ का फाइन लगा, 10 रुपए की चीज के लिए 1 करोड़ दे रही है कंपनी, 50 लाख दे रही है। तो जिसको नॉलेज होती है आपका लॉ की, वो तो भाई गेम खेल जाता है, बट यहाँ पे बैंक आपको वार्निंग मेल देता है, ठीक है, वार्निंग मेल, मेल आएगा आपके पास, हो सकता है देखो कॉल तो नहीं करेंगे, कॉल में देखो मेल इसलिए करता है कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि मेल प्रोफेशनली होता है, ये प्रोफेशनल है, ठीक है, प्रोफेशनल है इसीलिए मेल करता है। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर हो सकती है लिखने में, बट मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो बेकार नहीं है, वो आपके लिए हमेशा काम आएंगी। वार्निंग मेल करता है, आपको मेल आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, पर मंथ आएगा, तो 3 मंथ का इसीलिए वो लोग बोलते हैं, 3 मंथ बाद वो आपको फायर कर देंगे। बट अगर 3 मंथ में आपने एक्टिवेशन अपना 50 से 60% कर लिया तो आप बच जाएंगे, आप सेफ हो जाएंगे, फिर तब आपको फायर या टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। ये एक सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट होता है, मैं आपको बताता हूं, जैसा बहुत से लोग जानते नहीं है बट मैं उनको बता दूं, अगर आप किसी भी बैंक में काम कर रहे हो तो सबसे पहले उस बैंक का आप सोशल मीडिया पे, ठीक है, सोशल मीडिया पे कोई भी नेगेटिव वीडियो, अब ये चीज आपका जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, नेगेटिव वीडियो नहीं डाल सकते, ठीक है, नेगेटिव वीडियो, ठीक है, नेगेटिव वीडियो नहीं डाल सकते, ट्वीट नहीं कर सकते, आप लिंक्डइन पे भी नहीं लिख सकते, भाई सब सिंपल सी बात है, क्योंकि आप वर्किंग हो, आपको अगर अगर बैंक ने आपका देख लिया कि यार ये हमारे यहाँ का एम्प्लॉय है, सिंपल सी बात है, तो आपको टर्मिनेट करते हैं डायरेक्ट, पहले मेल भी भेजेंगे, मीटिंग भी हो सकती है एचआर के साथ, ठीक है, या और आपके जो भी टीम लीडर होंगे। सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल कोई भी कमेंट नहीं करना, कब, जब आप वर्किंग पर्सन हो, वहां पे वर्किंग पर्सन हो तो कभी सोशल मीडिया पे नहीं डाल देना। जैसे बहुत से लोग को नहीं आइडिया, मैं आपको अपने साथ का इंसिडेंट बता देता हूँ, जो आजकल देख रहा हूं मैं, हर दिन नए वीडियोज आते हैं, अच्छी बात है, आप एक्टिवेट, आप सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हैं, दैट्स गुड, बट मैं आपको एक अपना रियल इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं आईसीआईसी बैंक में वर्किंग था तो मैं बैंक की वीडियो डालता था, बट मैं हमेशा पॉजिटिव बोलता था फ्रेशर्स के लिए, कैसे क्या होता है इस डिपार्टमेंट में, बट मेरी जो मीटिंग हुई थी ना, आप यकीन मानिए हाई लेवल की मीटिंग बैठी थी सिर्फ मेरे लिए, और मैं उस मीटिंग में खुद था, मेरे एजीएम थे, और जिन्होंने मेरा ऑफर लेटर साइन किया था वो थे, मेरे एचआर थे, और एचआर हेड, आप समझते हो ना एक इतने बड़े लेवल का आदमी, इस वजह से कि सोशल मीडिया पे मैंने जो वीडियोस डाली थी उन्हें, उनको दिक्कत नहीं थी, उनको दिक्कत थी कि मैं एज अ एम्प्लॉय लोगो नहीं यूज कर सकता हूँ। तो ये चीज आप नोट करिए जो मेरे साथ हुई है, सोशल मीडिया पर आप जा रहे हो लोगो मत यूज कीजिए, अगर आप सच में एम्प्लॉय हैं, वर्किंग पर्सन हैं, तो लोगो यूज नहीं करना है, कोई भी निगेटिव वीडियो नहीं डालनी है, ठीक है, ये चीज तो लोगो यूज करने के लिए मना किया था। दूसरा उन्होंने बोला निगेटिव वीडियो नहीं आपने डाली है, आप अच्छा कर रहे हो, आप काफी अच्छा कर सकते हो फ्यूचर में, आपका सारी चीज अच्छी है। दूसरा उन्होंने मेरे पार्ट को जो नोट किया था ना कि मैं बैंक का एम्प्लॉय हूं यार, और मैं उसमें काम कर रहा हूं, बट गलती से क्या होता है ना, जैसे कभी कभी जैसे मुझे उस मीटिंग से बहुत चीजें सीखने को मिली यार, और मैं बहुत बैंक आईसीआईसी बैंक का शुक्र गुजार हूँ कि मुझे बहुत सारी चीजें उन्होंने एक मीटिंग में सिखा दी, कि यार आप अगर वर्किंग पर्सन है किसी भी बैंक में और आपने वीडियो गलती से डाल दी और कोई निगेटिव वीडियो डाल दी, तो आपको डायरेक्ट टर्मिनेट तो किया ही जाएगा, उसके साथ साथ FIR भी आप पे हो सकती है, बट टर्मिनेट ब्लैक लिस्टेड वाला, भाई साहब आप सोच सकते हैं ना ब्लैक लिस्टेड वाला है, क्या फ्यूचर में इस बैंक को नहीं, आप किसी भी बैंक को जल्दी ज्वाइन नहीं कर सकते,
क्योंकि जब भाई साहब किसी अदर बैंक को आप जब ज्वाइन करते हो ना, तो वो बैंक अब एक्सपीरियंस लेटर लगाते हो, बहुत से लोग छुपाते हैं उनको, तो बैंक इसलिए नहीं लेता, वो आगे वीडियो में बताऊंगा। एक्सपीरियंस लेटर आपने लगाया, बैंक कॉल करता है वेरिफिकेशन के लिए कि हाउ वाज दिस एम्प्लॉय, इट्स परफॉर्मेंस, इट्स कैरेक्टर, बिहेवियर, बोलते हैं एवरीथिंग वाज गुड ना, नाइस पर्सन, क्योंकि कोई भी किसी का करियर खराब करना नहीं चाहता, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो तब बैंक जब आपको बोलेगा, बोलेगा ये तो ही इज टर्मिनेट पर्सन, ही ब्रीच आवर पॉलिसीज, ही पोस्टेड नेगेटिव वीडियोज ऑन सोशल मीडिया एंड वी वॉन्ट ऑलरेडी बट इज नॉट थिंक अबाउट दिस दैट, तो वो सीधा बोलते हैं, तो इस वजह से आपका करियर पूरा खराब हो जाता है। दूसरा बैंक सोचेगा ये तो हमारे वजह से, इसमें अगर इसके मैनेजर ने इसको कुछ सुना दिया ये तो कल को नेगेटिव चीज़ें डालने लगेगा। इसीलिए उस वीडियो में, उस मीटिंग से मैंने सीखा। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ टर्मिनेशन पॉलिसी, मेरे साथ का एक्सीडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं तो ERM डिपार्टमेंट ICICI बैंक में था, तो भाई सब लोग शॉक्ड हुआ कि यार इतने बड़े लेवल की मीटिंग, बाद में सबको पता चला अच्छा यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, बट मैं निगेटिव वीडियो नहीं डाली ना, इसीलिए मैं सेफ जोन में था। मुझे वार्न किया गया कि आप लोगो यूज नहीं कर सकते हैं, आप अगर रिजाइन देते हैं तो प्रॉपर रिजाइन की वीडियो बना के आप आगे बैंक में कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत लोग बैंक की वीडियो बनाते हैं, आप भी हेमंत एलिजिबल हो, आप बना सकते हो, पॉजिटिव वे में बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे किसी और सेक्टर में जाओगे और आपने बोला कि आई एम ए यूट्यूबर और आई एम वर्किंग ऑन यूट्यूब एंड शोइंग दिस वीडियोज एंड हेल्पिंग फॉर फ्रेशर्स, तो वो देखेंगे आपके चैनल को, वो देखेंगे यार एवरीथिंग इज पॉजिटिव, आपको चांस देंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों से सीखा। तो ये होती है टर्मिनेशन पॉलिसी, डाटा ब्रीच नहीं करना दोस्त। एक्टिवेशन सेल्स में है तो एक्टिवेशन 100% आपका कम से कम 50-60% वो सेफ बनना, 3 महीने बाद आपको निकाल सकता है बैंक, उनके पास पावर होती है, HR पॉलिसीज होती हैं। थर्ड, आपको कोई भी सोशल मीडिया पर गलत वीडियो पोस्ट नहीं करना है, कुछ भी जो भी वीडियोज बना रहे हैं ना फ्रेशर्स, गाइस प्लीज ध्यान दीजिए, कोई भी टीम लीडर आपको कुछ भी बोलता है, बैंक का कुछ भी नया लॉन्च होने वाला होता है, आप पहले से बैंक का किसी भी चीज़ को वीडियो में हाईलाइट मत करना, टर्मिनेट भी होंगे, ब्लैकलिस्टेड होंगे, अदर जगह जल्दी जॉब भी नहीं मिले, क्योंकि बैंक की पावर बहुत होती है। उसके साथ साथ एक दो पॉइंट और हैं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। और आपको दूसरा, आप अपने कभी भी किसी भी मैनेजर से बहस मत करना, लड़ाई झगड़े मत करना, क्योंकि आपके बिहेवियर पे भी आपको फायर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा बैंक में। और दूसरी चीज़ है बेसिकली, आप किसी भी गर्ल्स को, वुमेन को हरास नहीं करना, और कोई भी छेड़खानी, निगेटिव कोई भी कमेंट ये सब मत करना। अगर आप बॉयज़ हैं बेसिकली ध्यान दीजिए, तो हरासमेंट पॉलिसी के अंडर अगर आप आ जाते हो और आपने अगर ऐसा कुछ किया तो आपको टर्मिनेट किया है, ब्लैकलिस्टेड, ऊपर से FIR हो जाएगी। कुछ पॉइंट को आप ध्यान रखिए। और जब भी आप बैंक ज्वाइन करते हैं ना, तो दोस्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा HR पॉलिसी जरूर पढ़ना उनकी, और देते हैं वो लोग, मैंने पूरी पढ़ी हुई है यार। तो मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों से आप अगर ध्यान रखते हैं, टर्मिनेशन से भी बचेंगे, निकालने से भी बचेंगे, बेइज्जती होने से बचेंगे, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और आप अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, ताकि फ्यूचर आपका ब्राइट रहे, ग्रोथ आपकी हाई रहे, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा आप ध्यान रखना। और ये सबके लिए वीडियो है जो भी बैंकिंग सेक्टर में है, ठीक है, जाने वाले हैं, फ्रेशर्स हैं, न्यू रिक्रूटर्स हैं, उन सबके लिए है कि आपको टर्मिनेशन पॉलिसीज को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आप सब अपना ध्यान रखिए। टारगेट प्रेशर होते हैं, उससे मत घबराना, आप किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, बट जल्दबाजी में कोई डिसीजन भी मत लेना दोस्त, करियर के पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का, वो आप समझ नहीं सकते हो, ठीक है। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत बार रिव्यू करना, अपने आप से पूछना, सोचना, ठीक है, क्योंकि हर सेक्टर में आजकल टारगेट प्रेशर है, हर सेक्टर में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हर सेक्टर में डर बिठा दिया जाता है। लेकिन बैंक में आप एटलीस्ट इतना तो सेफ हो कि आपको जल्दी निकाला नहीं जाता है, किसी प्राइवेट सेक्टर में आप जाओ ना फायर कर देते हैं तुरंत। मैंने तो बहुत सारे दोस्त हैं मेरे यार, मैं खुद एक देहरादून में 5 साल स्टडी, अब LLB फिर कर रहा हूँ मैं, तो मैं बहुत दोस्त आए गए, बहुत सारे लोगों से बात होती है, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, बहुत ठीक है, MNC FMCG बड़े बड़े सेक्टर में हैं, कुछ गवर्नमेंट में हैं, उन सबसे पता चलता रहता है ना। तो आपको मैं जो भी बताता हूँ रियलिटी होती है, ताकि आपको सच में अवेयर रहें आप, अवेयरनेस इज एवरीथिंग। अगर आप अवेयर रहते हो ना दोस्त, तो आपको कोई पागल नहीं बना सकता, आपको कोई जल्दी स्कैम नहीं कर सकता, फ्रॉड नहीं कर सकता आपके साथ, अवेयरनेस पे काम करिए, ठीक है। टर्मिनेशन पॉलिसीज को बहुत ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ताकि आपका जॉब सेफ रहे हमेशा, ठीक है। थैंक यू, और फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।